एक्सपेरिमेंट का नाम है लोड टेस्ट ऑन 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह, L1, ये देखो ये वाला L1 है ना, ये तीन L1 जो मेन तीन L1 दिखाई दे रहा है, ये तीन L1 है, ठीक है। और इन L1 से कनेक्शन गया है यहाँ पे, L1 से गया तुम्हारा, देखो L1 से गया तुम्हारा M1 तक, ये है L1 से, ये वाला M1 फर्स्ट है, ये M2 सेकंड है, ये M2 थर्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी L1 L2 L3 है, ये वाले तीन जो कनेक्शन है L1 L2 L3, ये तीन L1 L2 L3 इसके हैं, L1 L2 L3, ठीक है। और यहीं से कनेक्शन देखो यहाँ पे, पर M और C शॉर्ट है, ठीक है। और उसी तरह से कनेक्शन कर देना, सिंपल कनेक्शन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, गलत है। थ्री फेज वाट मीटर ठीक है लगेगा जो भी है, ठीक है। M1 से यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हुआ है, याद रखना न्यूट्रल, ठीक है। और ये M1 M2 M3 इनसे L1 से एमीटर, फिर एमीटर से M1, फिर L2 से वोल्टमीटर सेकंड हैंड, फिर वोल्टमीटर के सेकंड हैंड से M2, ऐसे करके ये M1 M2 M3 ये तीन, ठीक है। ये कनेक्शन वैसे सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बस कनेक्ट करते जाना। जैसे एक कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ, एक गया M गया, एक M1 गया L1 तक, ये फर्स्ट M1, ये L1 पहला वाला है और ये M1 तक गया, फिर M2 से L2 जाएगा, M3 से नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे देख लेना, थैंक यू। और इसमें इस तरफ का देखो, ये मोटर का था, 3 फेज इंडक्शन मोटर का था, ठीक है। और ये है हमारा जनरेटर लिखा है, वो जनरेटर है नहीं, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, याद रखना, ठीक है। L6 पैनल है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो उस पर रीडिंग्स में मत जाना, ठीक है, इस वाले पे जाना, ये ज़्यादा अच्छा है। वो लोग इतने महान हैं। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे कनेक्शन वैसे ही सिंपल है, बस जैसे पहले कनेक्शन किया करते थे। देखूंगा जो एग्जाम में तो कितना अच्छे से कर रहा है। आर वन से गया SH1 तक, ठीक है, सॉरी आर वन से A1, फिर आर टू से SH1, ठीक है, आर टू से SH1, ये R2 है, ये SH1 है, ठीक है, R2 SH1। और वैसे ही A1 A2 जो भी कनेक्ट है, A1 और A2 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन किया वोल्टमीटर तक, ठीक है, ये वोल्टमीटर है DC, ठीक है। A1 ये यहाँ से लोड बॉक्स पे कनेक्ट है, लोड बॉक्स से कनेक्शन याद रखना, जैसे यहाँ पे दिया है ना, एक कनेक्शन आया A1 से डायरेक्ट लोड बॉक्स तक, ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जो की टाइप है, ठीक है, और इसको बंद करने से ये की बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैसे ही कनेक्शन करना है, ये जो नॉर्मल जो कट है वो इसी वजह से है कि हम यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, फिर वहीं से एक कनेक्शन निकाल के हम एमीटर तक ले जाएंगे या फिर वोल्टमीटर तक ले जाएंगे, डिपेंड करता है क्या है हमारे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाला सेट करना है, उसके बाद लोड बॉक्स में रेजिस्टेंस बढ़ाना है और उसी हिसाब से हमें वहाँ रीडिंग्स वगैरह लेने, वर्क आउटपुट में, ठीक है, वर्क आउटपुट तुम्हें उसी से निकलेगा जो तुम्हारा वोल्टमीटर इंडक्शन VLIL यहाँ से निकलेगा इंडक्शन मोटर से, और ये जनरेटर से निकलेगा VGIG, समझ रहे, बाय, टाटा।